बार संभल में बदलाव दिख रहा है चेयरमैनी में या जी? जी बदलाव दिख रहा है। जिनके कामों को आज तक नहीं भूल पाया? हम तो जब तक जिएंगे और औलाद से भी कह के मरेंगे गरीब जैसा आदमी चेयरमैन नहीं आगा इस शहर को। पिछले चेयरमैन के कैसे काम रहे? अरे वो तो कुछ ना, पिछले चेयरमैन का किसी तरह का कोई भी विकास नहीं किया संभल में, कोई भी किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ। देखिए संभल का चेयरमैन भाजपा का होना चाहिए अब की बार, क्यों? चौधरी मुशीर को। वजह उसकी? वजह ये है कि मेंबर शकील ने कोई काम वाम नहीं कराया, अब किसे उम्मीद मुशीर खां की है। नंबर पे चौधरी मुशीर? हाँ साहब पहले नंबर पे हमारे साथ। और यासीन संभली? नमस्कार आदाब, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अल्फराज शेख। सिटी न्यूज ने नगर निकाय चुनाव को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जनता की नब्ज टटोलने की तैयारी शुरू कर दी है। इस वक्त हम संभल के चौधरी सराय में मौजूद हैं। चौधरी सराय में यहाँ पर जो खास चाय की चौपाल लगती है, वहाँ पर जनता अगर बैठती है चाय की चुस्की लेती है, यहीं की जनता से जानेंगे कि आखिर नगर पालिका में वो इस बार किसे अपना चेयरमैन बनाने वाले हैं, किन किन मुद्दों को लेकर वो वोट देने वाले हैं। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है सर? राम मुर्शिद नाम है। मुर्शिद ये बताइए क्या माहौल है इस बार संभल का, किसे बनाने वाले हैं चेयरमैन? संभल में देखिए एक अच्छे चेयरमैन की जरूरत है जो संभल को विकास की ओर लेके जाए, लेकिन अब देखना है किसको, मतलब जनता किसको सपोर्ट करती है। लेकिन अभी संभल में कुछ कह नहीं सकता, अभी बिल्कुल मतलब नए से नए प्रत्याशी आ रहे हैं, अभी किसी का कंफर्म नहीं है कौन क्या है, अभी ये नहीं पता कौन क्या है, मतलब काफ़ी लोग दावा कर रहे हैं, अभी ये क्लियर नहीं हुआ कौन कौन प्रत्याशी है अभी। अच्छा पिछले चेयरमैन के कैसे काम रहे थे? पिछले चेयरमैन का किसी तरह का कोई भी विकास नहीं किया गया संभल में, कोई भी किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ कुछ भी। तो आपने उन्हें तो नकार दिया फिर? बिल्कुल उन्हें नकार दिया, उन्हें बिल्कुल उनका कोई भी संभल में कोई विकास नहीं करा उन्होंने। क्या नाम है? मोहम्मद निहाल नाम है। निहाल क्या लग रहा है इस बार आप युवा हैं, किसे देंगे वोट अपने? मुशीर खां को। चौधरी मुशीर? चौधरी मुशीर को। वजह उसकी? वजह यह है कि मेंबर शकील ने कोई काम वाम नहीं कराया, अब किसे उम्मीद मुशीर खां की है। चौबीस राय के लोग और पब्लिक जो है ज्यादातर चर्चों में चल रहे हैं इस टाइम। अच्छा। मुशीर खां यासीन संभली इन दोनों में लग रही है। आपको लगता है जो यहाँ से चुनाव लड़े थे विधानसभा का, उन्होंने ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जनता साथ देगी AIMIM का? देगी, पब्लिक देगी, जुड़ी हुई है उनसे पब्लिक। हाँ चलिए। हाँ क्या नाम? बबलू। बबलू 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 भाई क्या लगता है इस बार क्या माहौल है संभल? मुशीर डंडा ठोक के वोट उन्हें ही देंगे हम। किन मुद्दों के ऊपर वोट जाए? विकास, नया नौजवान है, नई पीढ़ी का वो है, सबका ख्याल रखे चौधरी मुशीर। हाँ किस तरीके से ख्याल रखते हैं? अरे बढ़िया आदमी है, हर जगह कहीं जाओ वहीं बुला आ जाएगा। आज इतने दफे मेंबर शकील पहुंचे कहीं कुछ ना आते, चौधरी मुशीर, चौधरी मुशीर को ही देंगे वोट। जी क्या नाम? मोहम्मद सलमान। सलमान साहब क्या लगता है इस बार संभल में बदलाव दिख रहा है चेयरमैनी में या? जी बदलाव दिख रहा है। किन मुद्दों पर जाएगा? ये अपनी गई ये तमाम रोड वोड सब चीज ऐसी हो रहे हैं, सब गड्ढे वड्ढे करवाए, कुछ नहीं करवाया चेयरमैन साहब ने पिछले। जी तो इस बार किसे मौका देंगे? अभी देखेंगे अभी क्या होता। आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या है मुस्कुरा? देखते हैं अभी, देखो क्या हिसाब किताब रहता है, हम तो सबके साथ है अभी। सबके साथ है, चुनेंगे तो किसी एक को? बिल्कुल, जो हमारे अपने होंगे बिल्कुल चुना जाएगा उन्हें। कौन है ऐसा? वक्त के साथ बताएंगे आपको। आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे चाय का मजा लेने आते होंगे, क्या माहौल है, क्या जिक्र होता है? जिक्र खैर के बारे में अभी हम कुछ ना कह सकते, सभी की बात चर्चा चलती है अभी तो यहाँ पर सब। चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। जी मुल्ला जी क्या नाम है? माहिर हुसैन नाम है। माहिर जी क्या लग रहा है इस बार नगर पालिका माहौल? नगर पालिका माहौल तो साहब बढ़िया ही चल रही है मामला। बढ़िया में कौन चल रहा है एक नंबर पर? मैं बढ़िया में, माहिर नगर में तो मुशीर कहाँ है साहब? चौधरी नंबर पे वो चल रहा है। हाँ साहब पहले नंबर पे चौधरी मुशीर। हाँ साहब पहले नंबर पे हमारे साथ। और यासीन संभली कौन से नंबर? ये नहीं बता सकते साहब हम उनके बारे में क्या कहें। और मेंबर उनके बॉर्डर है उन्होंने कुछ नहीं करा साहब शहर में। जी अशरफ जी वजह क्या? बेहतर प्रत्याशी हूँ। जी अशरफ बेहतर है। जी पिछले चेयरमैन के कैसे काम थे? बेहतर काम थे उनके भी। तो बदलाव क्यों देखना चाहते? नहीं बदलाव करना चाहिए, 5 साल के अंदर 5 साल में बदलाव होना चाहिए, आना चाहिए। अच्छा ऐसा विधानसभा में क्यों नहीं? जी विधानसभा में ऐसा क्यों बदलाव नहीं? वो तो उस बारे में तो हम कह नहीं सकते है? उस बारे में तो हम कह नहीं सकते। कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, लगातार एक विधायक बनते आ रहे हैं, काम करा रहे हैं। हाँ काम करा रहे हैं तभी बनते हुए। जी तो अच्छा 2024 का जिक्र करें तो 24 में क्या? 24 में तो कांग्रेस को लाना चाहेंगे हम। जी क्यों? वजह उसकी? वजह वैसे काम बेहतर है लेकिन अब 10 साल हो गए करीब ही ने, अभी ना हटाना चाहेंगे। अच्छा राहुल गांधी की सदस्यता चली गई? हाँ वो तो चली गई लेकिन आएगी भी दोबारा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो
उतार चढ़ाव आता रहता है। तो नगर पालिका चुनाव को लेकर हम लगातार जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर माहौल क्या है। क्या नाम है सर? मेरा नाम सैयद शान अली है। सैयद शान अली, शान भाई क्या लगता है इस बार संभल का चेयरमैन कौन होना चाहिए? कितने काम पेंडिंग में रह गए हैं और पिछले चेयरमैन ने कैसे काम किया? देखिए, संभल का चेयरमैन भाजपा का होना चाहिए अब की बार, क्योंकि ये जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ था तो इकबाल महमूद साहब जीते थे, पब्लिक में बड़ी उम्मीदों से जिताया था, दोबारा जिताया था और अच्छे वोटों जिताया था, पहले से ही मार्जिन से अच्छा जिताया था, ये उम्मीद के साथ कि ये कार्य करेंगे, अपना काम अच्छा करेंगे। लेकिन जब पब्लिक उनके पास काम को जाती है तो कहते हैं हमारी सरकार नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, ये बहानेबाजी लेते हैं। अभी आप नगर पालिका चुनाव है, आप भाजपा का कैंडिडेट जिताएंगे तो ये बहानेबाजी खत्म हो जाएगी। भाजपा ही सरकार है, भाजपा विकास कराएगी, उसका कैंडिडेट जीतेगा तो विकास भी कराएगी। केंद्र में भाजपा की सरकार है, यूपी में भाजपा की सरकार है, फिर भी काम क्यों नहीं हो रहे हैं? तो बिल्कुल हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, कौन सा काम नहीं हो रहा बताइए। तो आरोप लगा रहे हैं कि विधायक साहब काम नहीं करा रहे। तो विधायक अपनी निधि से कराएं ना, जो उनका काम है वो तो कराएं, पब्लिक के काम कहाँ कराते हैं। आज दिन ये पुलिस परेशान कर रही है पहले लोगों को कि कोई अगर वीडियो वो मोबाइल भी देख रही है तो उसको पकड़ के ले जाते हैं ये, और 30-30 हज़ार रुपये लेके छोड़ते हैं। देखिए, वो विधायक ये विधायक जी हैं, इन 44,000 वोटों से जीते हैं तो इनका फर्ज नहीं बनता कि पब्लिक के काम आ बताइए। कहते हैं जिसे विधायक और सांसद जिसके ऊपर हाथ रख देते हैं वो ही चेयरमैन बन जाता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, पब्लिक है ये, अब गलती एक दफ़े करती है, अब की बार गलती नहीं करेगी पब्लिक। ये इस बार किसी चुनाव से जिताया था उन्हें, उम्मीदों पे खड़े नहीं उतर रहे, अब पब्लिक चेंज कर देगी। इस बार किसे किसे मौका देने वाले? इस बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मौका देना चाहिए, क्योंकि सरकार वो विकास ही करा सकते हैं। और नाम डिक्लेयर हुआ है? अभी कोई नाम डिक्लेयर नहीं है, जिसको भी जो भी कैंडिडेट हो, हम तो चाहते हो विकास कराए, कैंडिडेट कोई भी हो, हमें इस बात से कोई लेना नहीं, भाजपा का होना चाहिए जो संभल का विकास करा सके। सिटी न्यूज लगातार जनता से जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर संभल का माहौल क्या है, किन मुद्दों को लेकर वो वोट देने वाले। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद दानिश। देखिए, अब की बार बिल्कुल इंशाल्लाह बदलाव देखने को मिलेगा। संभल की जनता ने जो है, जो नौजवान तबका है, उसने अब की बार इंशाल्लाह चौधरी मुशीर साहब को चुना है। जी, चौधरी मुशीर साहब। वजह उसकी वजह यह है कि मुसलसल पिछली बार भी वो बहुत अच्छा चुनाव लड़े थे, जिसमें लगभग 14,000 से 15,000 वोट उन्होंने अपनी लिए थे, और इस बार भी जब से वो मैदान में है हर किसी के सुख दुख में हमेशा वो खड़े रहते हैं, सुख दुख में साथ रहते हैं। जी, क्या नाम है? ये इनके बताओ, उनसे हमें कोई नाम तो बता। जैद नाम है हमारा। जी, क्या करते हो? कुछ नहीं करते, खाली रहते हैं। हाँ, करते क्यों नहीं? काम क्या करेंगे, जब पैसे मिल रही तो खाने ऐसी मिल रही तो क्या काम करेंगे? बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, ऐसी मिल रही है तो क्या करेंगे काम? क्या नाम है? नजीब अहमद। नजीब साहब, क्या लग रहा है संभल में चेयरमैन में क्या माहौल है? माहौल देखो क्या होता है, वो आगे अब तो अब जब नामिनेशन हो जाएंगे जब पता चलेगा साहब जो है क्या होता है किसके उसमें। आपने सोचा होगा कि इस बार इसका अच्छा माहौल है, इन्हें वोट दिया जाए? ये तो देखो वक्त पे जो है पता चलेगा इस बात का, है ना। अभी मिजाज नहीं बना। हाँ हाँ, अभी मिजाज नहीं। पिछले चेयरमैन के कैसे काम? पिछले चेयरमैन के काम जो है हमारी नज़र पर तो जो है ठीक थे, कोई ऐसा भी ना था। हाँ, मेरा नाम मोहम्मद साद। साद जी, क्या लग रहा है चेयरमैनी का चुनाव नज़दीक है, जनता का क्या माहौल है, क्या बीच में आपकी बातें चल रही हैं, किसे जिताएंगे इस बार? देखो, अभी तो फिलहाल कोई कैंडिडेट का नाम सामने नहीं आया है, और जो भी है अच्छा कैंडिडेट उम्मीद रखते हैं कि अच्छा कैंडिडेट आना चाहिए जो भी है, और आज तक जो भी कैंडिडेट आया है उसने खैर संभल के लिए कोई खास काम करा नहीं है। चेयरमैन है, उनके कैसे काम रहे? कोई खास काम नहीं रहा संभल। मैं दीपक राय में रहता हूँ, लगभग दीपक राय में 12 साल हो गए टंकी बने हुए, आज तक उसका ना ही वो चालू हुई है। और सबसे बड़ी संभल के अंदर जो समस्या है वो जल निकासी की है, पूरे संभल के अंदर थोड़ी सी बारिश पड़ जाए तो पूरे शहर के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता, और बहुत सी समस्याएं हैं संभल के अंदर। जी, क्या नाम है? अफसार हुसैन। सर, क्या लग रहा है आपको इस बार किसे बनाएंगे चेयरमैन? इस बार जो है AIM के प्रत्याशी जो है वो अच्छा फाइट करेंगे, जिससे भी टक्कर होगी उनकी ही टक्कर है। जिससे टक्कर होगी चौधरी मुशीर की? जी जी जी। जनता की नफ्स टटोलते टटोलते इस वक्त हम संभल नखासे में मौजूद हैं, इधर कुछ बुजुर्ग बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, हमने सोचा कि इनसे भी बात करी जाए, क्योंकि कुछ जिम्मेदार लोग हैं, राजनीति को अच्छी जानकारी रखते हैं, इन्हीं से जानेंगे कि आखिर संभल का चुनाव में क्या माहौल चल रहा है, किन मुद्दों को लेकर वोट देने वाले। क्या नाम है सर? हाँ जी, जमाल नाम। जमाल साहब, क्या लग रहा है इस बार संभल में चेयरमैन कौन होना चाहिए, किन मुद्दों को लेकर आप वोट देंगे?
भाई मुद्दे ये हैं कि जो भी मतलब जो शहर का विकास है, अब सड़कें हैं, ये नाले हैं, अब गलियां हैं, अपन गलियों के आप अंदर दूरदशा देखिए क्या है कि पिछली चेयरमैनी में कोई भी काम ना हुआ। अच्छा। भाई कोरोना आ गया उधर, उधर उनका इंतकाल हो गया जो चेयरमैन थी पीछे। अब जो भी चेयरमैन बेहतर हो, जो भी जनता की पसंद हो, जो काम कर सके, संभल का विकास हो सके। अभी पीछे मेरे ख्याल से रेतले में भूरे साहब वाले रोड पर हम निकले, उधर देखिए क्या हाल है उस रोड का। ना आदमी पैदल निकल सकता है, ना आदमी मतलब जो साइकिल से या बाइक से या गाड़ी से कहीं भी ना निकल सकता। कह रहे हैं कि अभी विधायक जी ने वहाँ पर काम कराया और साफ साफ करवा दिया। हो सकता, काफ़ी दिन की बात हो गई, 15-20 दिन पहले की बात है, तो अब हो गया, वो तो कह ना सकते। नगर पालिका में इस बार क्या लग रहा है, कौन आएगा, कोई नाम ऐसा नहीं? अभी तो सुन ही रहे हैं कि बख्श साहब ने अभी जुगनू आए थे, अभी कोई सामने नहीं आया कौन आ रहा है। जब भी तो पता चलेगा, फाइनल तो जब भी उठेगा, जो कोई आन के खड़ा होगा कि भाई हम खड़े हैं, उसमें से हम जांचेंगे फिर कि कौन सही जगह बेहतर रहेगा हमारे लिए। आपने बहुत सारे चेयरमैन देखे होंगे संभल में, सबसे अच्छा चेयरमैन का अगर नाम पूछे तो कौन? तो हमने तो जरीफ ही देखे कर रहे थे पहले, जरीफ चेयरमैन, दिलीप चेयरमैन सबसे पहले, सबसे पहले फिर जागीर चेयरमैन आए, तो उनकी भी अच्छी जफीर बुराया मामला। और बात बात के तो सब खेचा खाच वाले आ गए। अच्छा। हाँ बात का तुम करो, अब जो हम तो अब ये बताएंगे जब कि जब हमारे सामने वो कैंडिडेट क्या आएंगे सामने, भाई अब ये 5 कैंडिडेट आ गए या 10 कैंडिडेट आ गए, कौन कौन आया उनमें हम छांटेंगे उनमें से फिर हम बस क्या कौन कैंडिडेट। अभी तो ये पता ना कौन आ रहा कौन ना आ रहा, दावेदार साहब बस, हमें तो दावेदार का भी पता ना। अभी आज पहला दिन हुआ है, तुम आए हो तो पूछ रहे हो, अब जब वो आएंगे तो हम उनसे पता करेंगे भाई तुम है नहीं। एक चीज और, आप राजनीति में अच्छा समझ रखते हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट देना चाहिए, जो युवा है वो क्या सोचते हैं? तो जी युवा तो वही सोचता है जो भाई कोई लड़ाई झगड़े ना करे, समझ में आ गई, कोई लड़ाई झगड़े ना करे, कोई और बस सबको एक सा समझे, बस ये है कि उसमें कि एक सा समझेगा तो सब दुनिया जीगी और ना तो बेकार रहेगी। हमारे लिए तो वही अच्छा जो आदमी सबको मिल के लेके चले चले बस जी। क्या नाम है? हाजी मनाजिर। मनाजिर जी क्या लग रहा है इस बार चेयरमैन कैसे बनवाने वाले? जो बढ़िया कैंडिडेट होगा, क्लियर होगा, आ जाएगा उसको बनवाएंगे, जो शहर का काम करे। पिछले चेयरमैन के कैसे काम रहे? अरे वो तो कुछ ना, वो कुछ चेयरमैन जरीफ के अलावा तो कोई लगा ही ना उन्हें तो। अच्छा। हाँ ऐसा क्या काम कराए थे उन्होंने? उन्होंने ये पूछो क्या ना कराए थे, बता दीजिए। ये तो बात की बात है, नुसरत ने जो कराए काम कराए थे, जिनकी जिनके कामों को आज तक नहीं भूल पाया। हम तो जब तक जिएंगे और औलाद से भी कह के मरेंगे, जरीफ जैसा आदमी चेयरमैन नहीं आगा इस शहर को। जरीफ? हाँ जरीफ जैसा। हाँ भाई जो जो गरीब आदमी थे उनका ख्याल रखे थे, और फिर उन्हें चुंगी में किसी को कुछ ना मिला था तो बल्ले पे लगा दिए थे उठाने बैठाने में। जो भी कैंडिडेट अब सामने क्लियर होंगे ना पार्टी के, जिसके भी होंगे, जो बढ़िया कैंडिडेट होगा उसको सपोर्ट करेंगे। हाँ अभी तक सब नए नए आ रहे हैं ना, तो अभी क्या अभी क्लियर ही नहीं है वो किसी का, डॉक्टर वर्ग का कौन है, नवाब इकबाल साहब का कौन है, मंत्री जी का। अच्छा ये बात आपने एक नई कही कि डॉक्टर वर्ग साहब का कौन है, और आपने एक बात कही अभी ये पता नहीं चला है कि डॉक्टर भक्त साहब का कौन है और नवाब इकबाल साहब का कौन है। ये चीज देखने को मिलती है कि एक पक्ष उधर चला जाता है, दूसरा पक्ष इधर चला जाता है, ऐसा क्यों? समाजवादी का जब एक जगह होगा दोनों लड़ाएंगे एक जगह साथ, अगर वो टिकट अगर होगा तो। नहीं सांसद साहब और विधायक साहब दो पक्ष अलग अलग क्यों है, एक साथ मिलकर क्यों नहीं लड़ते? इतने हमें जानकारी नहीं क्यों, लेकिन ऐसा है कि भाई लोग समझते हैं जिम्मेदारी जो है वो विधायक जी की है, वैसे जिम्मेदारी विधायक जी की है, सदर विधायक है और चेयरमैन उन्हें अपना चुनना चाहिए और दोनों मिलकर शहर का विकास करना चाहिए। तो इसमें आप ये मानते हैं कि डॉक्टर भट्ट साहब को उनको सपोर्ट करना चाहिए? हाँ भट्ट साहब को भी उन्हें सपोर्ट करना चाहिए संभल की भलाई के लिए। हाँ। संभल की भलाई के लिए ना कि राजनीतिक रोटियां सेके। हाँ। दोनों को मिलकर एक साथ काम करना चाहिए तब। हाँ वो है सांसद है, वो विधायक है, तो समाजवादी का अगर चेयरमैन हो तो फिर सब मिलकर एक साथ काम करें ना विकास का।
चलिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि संभल में जो सांसद हैं और जो विधायक हैं और जो चेयरमैन हैं, तीनों को एक साथ मिलकर संभल का काम कराना चाहिए, तभी संभल एक बार फिर विकास की ओर बढ़ेगा। फिलहाल आप देखते रहिए सिटी न्यूज़ संभल, अल्फराज शेख के साथ, शुक्रिया।